हमीरपुर के बस स्टैंड के नजदीक नगर परिषद द्वारा रखे गए कूड़ादानों में आए दिन शरारती तत्व द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे कि वहां पास में दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। वहीं बीते दिन भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें कूड़ेदान के नजदीक कूड़े को आग लगाकर छोड़ दिया गया और वो आग दुकानों तक पहुंच गई। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह कूड़ेदान में आग लगाने से स्थानीय दुकानदारों में भी नगर परिषद की कार्यप्रणाली के प्रति रोष पनप रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदार ने बताया कि शरारती तत्वों के द्वारा कूड़े में आग लगा दी जाती है, जिससे कई बार बड़ा हादसा होते होते टला है। उन्होंने नगर परिषद से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाए और कूड़ेदान को समय समय पर साफ किया जाए, ताकि लोग उसमें आग ना लगा सकें। पीछे डस्टबिन एक बड़ा रखा हुआ है कमेटी का, उसमें लोग सामान डालते हैं, कुछ बाहर फेंक देते हैं। हमारी दुकान के पीछे आए दिन आग लग जाती है। ये तो अब आप ही भी सुनते हैं, कभी ऐसा कोई बड़ा हादसा हो सकता है कि जो सारी मार्केट है, इतनी मार्केट है, 58 दुकानें हैं, वो पता नहीं किस टाइम कैसे किस रूप में ये आग लग जाए। और कल भी मैं गया हूँ, पहले भी 2-3 बार मैंने जब एकदम से लगती है बाहर आके हमारे को बोलते हैं कि आपकी दुकान के पीछे आग लगी है, हम लोग फटाफट पानी लेके जाते हैं, डालते हैं, बुझाते हैं। कल भी मैंने ऐसी आग बुझाई जाकर 8 बंदे नाल लेके, और अब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अब जब सब कुछ खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो फिर सारे उसके ऊपर आ जाते हैं बताने के लिए, जी ये हो गया। तो अब हम तो ये कहते हैं कि इसको ज़रा देखना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। अगर डस्टबिन बड़ा रखा हुआ तो पता नहीं कौन आग लगाता, ये भी नहीं पता चल पाता। सूचना कई बार दी है, और हमारे आस पड़ोस वाले दुकान वाले हैं, उन्होंने कई बार बोला, तो वो कोई गौर ही नहीं करता, क्या बोले उनको। चाहते हैं कि पीछे जो नाली है उसको साफ करा के होना चाहिए। अब बरसात आती है तो दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, और कितनी बार हमने बोला है कि ये इसको थोड़ा नाली को पीछे साफ करा दीजिए। अब सफाई अभियान में तो सारा जोर शोर से उठाते हैं, पर करते कोई नहीं है, अपनी अपनी करनी पड़ती है सफाई। अब दुकानों के आगे भी हम साफ करते हैं, पीछे भी साफ करते हैं। हमारी जितनी शॉप है हम लोग स्पेशल सफाई आगे पीछे पूरी रखते हैं। तो अब क्या उम्मीद करें, अब बाकी सब के आगे तो नहीं हो सकते। अब पीछे कचरा को फेंक जाते हैं डस्टबिन के बजाय, उसमें नीचे फेंक देते हैं नाली में, तो उसमें अब पता नहीं कौन आग लगा देता है। अब ये तो पता नहीं किस टाइम कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, उससे क्या करना पड़ेगा। अब इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता।